तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बहुत जल्दी एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट होने वाला है। अब आप कहोगे परफेक्ट नाम जो है ना वो एकदम से इम्पॉसिबल होता है, ये मन का वहम होता है। मैं मानता हूं आपकी बात, बट एटलीस्ट ये वाला स्मार्टफोन ऑन पेपर तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें जीरो प्रॉब्लम्स है, कहीं पे कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर मैं बात करूं कि यार ये क्यों है। डेफिनेटली मैं कह पाऊंगा ये वाला स्मार्टफोन अगर इंडिया में बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है तो कड़ा कंपटीशन देने वाला है ये कॉम्पिटिटर्स को, एंड हो सकता है कि आपका फेवरेट स्मार्टफोन बन जाए। और ये किस ब्रांड की तरफ से आने वाला है? ये है मोटोरोला की तरफ से। मोटो का एक फ्रंटियर नाम से यहाँ पे फोन सामने आ रहा है और ये होने वाला है जब लॉन्च, इसका नाम जो है वो हो जाएगा मोटोरोला H30 Pro। अब H30 के बारे में तो सबको पता ही है, बट ये H30 Pro होने वाला है, मतलब कि प्रो वेरिएंट होने वाला है H30 का। और इसके जो ऑन पेपर स्पेक्स पता चले हैं, इसके अंदर एक भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, जीरो प्रॉब्लम्स। तो आपको बताता हूं इस फोन में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, कैसे ये परफेक्ट स्मार्टफोन देखने में लग रहा है और कैसे ये एकदम से कमाल करने वाला है जब ये इंडिया में आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ये मोटो फ्रंटियर नाम से सामने आ रहा है, बट ये H30 Pro बन के सामने आ सकता है। और इसके अगर आप डिजाइन को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग डिजाइन लग रहा है, मतलब जो आजकल हमें डिजाइन देखने को मिल रहे हैं मोटोरोला कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मोटोरोला ने डिजाइन पर थोड़ी सी R&D लगाई है एंड हमें कुछ अलग प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है। यहां पर जो डिस्प्ले होने वाली है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले होगी और यहां पर PAMOLED होगी एंड पी ओलेड बोल सकते हो आप इसको, पोलेड डिस्प्ले, एंड यहां पर ये कर्व्ड एजेस के साथ हो सकती है एंड 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले। बाकी एचडीआर वेचडीआर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले होगी, बट द थिंग इज 144 हर्ट्ज की पोलेड विद अगर हमें कर्व्ड एजेस मिल रही है, आई डोंट थिंक अभी कोई भी ऐसी डिस्प्ले को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मोटोरोला यहां पे बहुत ज्यादा गजब की डिस्प्ले देने वाला है। अभी कंफ्यूजन इस चीज की है ये फुल HD होगी या फिर क्वाड HD+ होगी। ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में भी एकदम से बहुत ही ज्यादा कड़क होने वाला है क्योंकि हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अभी एक छोटा सा चांस है कि शायद प्लस वाला मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 8 Gen 1 ही देखने को मिलने वाला है। और ये प्रोसेसर कहीं से भी खराब नहीं है, एकदम से लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है यहाँ पे क्वालकॉम का एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि मोटोरोला ऑप्टिमाइज इतने अच्छे से कर दे कि हमें कोई हीटिंग इशू ना देखने को मिले, बट ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काफी कमाल का है। रेस्ट देखो, अब जब फ्लैगशिप फोन आ रहा है तो LPDDR5, UFS 3.1 ये सब तो देखने को मिलने वाला है हमें, बट यहाँ पे हमें Android 12 भी देखने को मिलेगा और ये स्टॉकिश होगा। ये हम सबको पता है जब मोटोरोला आ रहा है तो कस्टम UI नहीं होती है, यहाँ पे स्टॉकिश UI होती है विद थोड़े से ट्वीक्स जो कि ये एंड्रॉइड के साथ कर देते हैं और ओवरऑल हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ पे मैं एक्साइटेड हूँ कैमरा टेस्ट करने के लिए। जो कैमरा है वो पहली बार एक 200 MP का सेंसर आएगा और ये सैमसंग का एक नया सेंसर होने वाला है और ये काफी कमाल का सेंसर होने वाला है। मेगापिक्सल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं ये देखने वाला हूं कि ये सेंसर जो है कितना ज्यादा कैपेबल है। ऑन पेपर बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये सेंसर, बट एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है और मोटोरोला इसको ऑप्टिमाइज कितने अच्छे से कर पाता है। बट 50 MP का अल्ट्रा वाइड चौड़े वाला कैमरा होगा और एक 12 MP का जूम वाला 2x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा होने वाला है। तो ओवरऑल ये जो सेटअप है ये काफी ज्यादा शानदार साउंड कर जाता है और 60 MP का सेल्फी कैमरा, मतलब कि आपका थोपड़ा जो है वो एकदम से चमक जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो 8K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और रियर कैमरा OIS भी होने वाला है, फ्रंट कैमरा में EIS देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं फ्रंट कैमरा के अंदर हमें 4K 60 मिलती है कि नहीं मिलती, बट ओवरऑल बहुत कैपेबिलिटीज है। एक और चीज, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स भी होने वाले हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया में भी एकदम से भरपूर आनंद आने वाला है। एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो, बट आज के टाइम पे मैं नहीं कर रहा क्योंकि हर एक फ्लैगशिप फोन में इसको डिच किया जा रहा है, वो है 3.5 mm जैक। इस फोन में भी देखने को नहीं मिलेगा, सो मैंने डेट्स वाई कहा जीरो प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये तो आज की सीधी सी बात है, फ्लैगशिप फोन लेंगे तो 3.5 mm जैक नहीं मिलने वाला है। बट इस फोन में 4500 mAh की बैटरी होगी, फ्लैगशिप को कंसिडर करते हुए काफी डिसेंट है, बट यहां पर 125 वॉट का चार्जर मिल सकता है, मतलब एटलीस्ट चार्जिंग सपोर्ट तो हमें देखने को मिलने वाला है। मे बी बॉक्स के अंदर चार्जर जो है वो 125 वॉट का अगर साथ में मिल जाता है तो भाई साहब अगेन नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि 125 वॉट मोटोरोला भी इतने फास्ट चार्जर्स दे ही नहीं रहा था, बट इसके साथ आएगा तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। 4500 mAh के लिए 125 वॉट बहुत ज्यादा हो जाता है गाइज, एंड यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है।
अब सब डिपेंड करता है कि मोटरोला इसको कितने प्राइसिंग पे लेके आता है। मोटोस के फोन थोड़े से प्राइसी होते हैं बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में, बट कुछ देर से मैं देख रहा हूं ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अगर ये भी एकदम सब तगड़े वाले प्राइस के ऊपर आ जाता है तो हमारे लिए तो चांदी चांदी हो जाएगी। सो गाइस, अब आप मेरे को कॉमेंट्स में बता सकते हो क्या मोटरोला के इस डिवाइस में आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पंगा वाली बात है, आपको ऑन पेपर लग रहा है कोई कमी है। मुझे तो कहीं से भी कोई कमी नहीं लग रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस फोन के लिए। लेट्स सी ये कब तक इंडिया में लॉन्च होता है, बट आपके जो सुझाव हैं, आपके जो सजेशंस हैं हमारे लिए वो जरूर से कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने चैनल में रखिए ख्याल, की स्माइलिंग एंड ऑलवेज। टेक केयर गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टेक केयर।